मस्त मैच चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्यारे बच्चों, आज करेंगे हम एक्सरसाइज 2.4। लास्ट वीडियो में हमने किया था एक्सरसाइज 2.3। जब भी कोई भिन्न के अंदर भाग का क्वेश्चन आता है तो उसमें हमने क्या करना होता है, कोई भी भिन्न है जब हम भाग करते हैं उस भिन्न का व्युत्क्रम लेके उसकी गुणा कर देते हैं। सिंपल एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए 15 भाग में 4/5 ये है, तो हमने 15 एक पूर्ण संख्या है और उसको 4/5 एक भिन्न से भाग देना है। तो क्या करेंगे हम इसमें कि जो 4/5 है इस भिन्न का व्युत्क्रम ले लेंगे और गुणा कर देंगे, कुछ भी नहीं करना। सभी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में जो 2.4 है एक ही जैसे है। अगर ये बात समझ में आ गई ना तो ये मानकर चले कि ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी बिल्कुल तैयार है। बस एक ही बात समझनी है कि जो भी हम भाग करते हैं जिस संख्या से तो उसमें क्या करना, उस भिन्न का व्युत्क्रम लेके गुणा कर देते हैं। जैसे 15 × 5/4 इस भिन्न का व्युत्क्रम ले लिया और गुणा कर दी। सिंपल, आपस में कटता है ठीक है, नहीं कटता है भाग होता है, अंश अंश की गुणा, हर हर की गुणा करके लिख देते हैं। प्रश्न 2.4 का पहला सवाल ये आपके सामने है और पहले सवाल का फर्स्ट पार्ट यानी पहला भाग हम करते हैं। पहले सवाल का फर्स्ट पार्ट पहला भाग, 12 भाग में 3/4 ये दिया हुआ है। 12 भाग में 3/4 बिल्कुल वही तरीका, 12 भाग का क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम ले लेंगे, गुणा कर देंगे यानी पलट देंगे इसको। 4/3, 3 × 3, 3 × 12 मैंने पहले बताया था, चौकी चौकी 16 बटा 1 लिखे या 16 लिखते। सेकंड पार्ट इसी सवाल का, सेकंड में क्या है, 14 भाग में 5/6 बिल्कुल वही तरीका। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी प्रकार से करेंगे हम। ये संख्या यूं भी लिखेंगे 14, भाग का क्या करेंगे गुणा कर देंगे और 6/5 ये कर दिया, अब कोई कैंसिल नहीं होता, अंश अंश की गुणा कर देंगे, हर हर की गुणा, 14 और 6 की गुणा, 14 × 6 = 84/5 ये किस प्रकार की भिन्न आ गई, अनुचित। और इस अनुचित भिन्न में क्योंकि अंश बटा है हर छोटा है तो अनुचित भिन्न है, इसको मिश्रित में बदल देंगे। 5 × 5 = 3 = 34 5 × 30 यानी 16×5 = 80 कितने बच गए, 4, 16 सही 4/5। थर्ड पार्ट तीसरा भाग इसी का, 8 भाग में 7/3 बिल्कुल वही तरीका, 8 भाग का क्या कर देंगे गुणा, 3/7 आपस में कोई कैंसिल नहीं होता, 8 × 24/7 ये अनुचित भिन्न मिश्रित में बदलेंगे, 7 × 21 बच गए 3, 3 सही 3/7 याद रहेगा। इसी का चौथा भाग, चौथे भाग में क्या है, 4 भाग में 8/3 4 भाग में 8/3 या हम कर सकते हैं 4 × 3/8 ये। अब 4 × 4 = 4, 4 × 8 और तो कैंसिल नहीं होता, नहीं कटता है, 3/2 ये किस प्रकार के भिन्न आ गए, अनुचित। अब हम इसको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे, 1 सही 1/2 दो से भाग दे दिया तो शेष फल ऊपर लिख दिया, 1 सही 1/2। पांचवा भाग इसी का, 3 भाग में 2 सही 1/3 ये है, ये मिश्रित भिन्न दे दी, पहले इस मिश्रित भिन्न को खोल लेंगे और इसको अनुचित भिन्न बना लेंगे। 3 भाग में 3 × 6 = 7/3 3 भाग में 7/3 या हम कर सकते हैं 3 भाग का क्या करेंगे गुणा, 3/7 या क्या, तो अंश अंश की गुणा आपस में कैंसिल नहीं होता, 9/7 हर हर की गुणा। ये किस प्रकार की भिन्न आपके सामने, अनुचित, इसको हम बदलेंगे मिश्रित में। 7 × 7 कितना शेष पर बचता है, 2
एक सही दो बटा सात और इसी का छठा पार्ट। पहले सवाल का लास्ट पार्ट, पांच भाग में तीन सही, पांच भाग में तीन सही चार बटा सात बराबर क्या करें, पांच भाग का पहले यूं का यूं रखेंगे, इस मिश्रित भिन्न को अनुचित में बदलेंगे, सात या इक्कीस, इक्कीस और चार पच्चीस, पच्चीस बटा सात, या हम कर सकते हैं पांच गुणा सात बटा पच्चीस, क्योंकि भाग को जब हमें इस भिन्न को भाग करना है तो इसके व्युत्क्रम से गुणा करते हैं यानी उल्ट देते हैं। बड़ा ही आसान, पांच एकम पांच, पंजो पंजे पच्चीस, यानी सात बटा पांच, ये किस प्रकार की भिन्न है, अनुचित। अब इसको मिश्रित में बदलेंगे, पांच एकम पांच बचे दो, एक सही दो बटा पांच। ये था आपका छठा पार्ट, पहला सवाल एक जैसे ही सवाल है, सारे के सारे एक ही तरीका लगाना है आपने, क्या करना है, जिस भी भिन्न से भाग देना है उसके व्युत्क्रम से गुणा कर दो बस। देखो सभी नहीं, इसका व्युत्क्रम, इसका, इसका, इन सभी का व्युत्क्रम लेके इस पहले वाली संख्या से उसको गुणा कर देते हैं। ये था आपका सवाल फर्स्ट, पहला सवाल। प्रश्न नंबर दो की स्टेटमेंट देखिए, प्रश्न नंबर दो, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, यानी व्युत्क्रम ज्ञात करना है, व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए, यानी प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, उसको यह बताना उचित भिन्न है, विषम भिन्न है या ये पूर्ण संख्या है, यह चीज बतानी है। जैसे दूसरे सवाल को हम करते हैं, सेकेंड, दूसरा सवाल, दूसरे सवाल का पहला भाग, ये पहला भाग, इसमें क्या है, तीन बटा सात, पहले तो प्रत्येक का व्युत्क्रम लेना हमने, तीन बटा सात व्युत्क्रम, तीन बटा सात कोमा व्युत्क्रम बराबर, व्युत्क्रम कितना आएगा इसका, बड़ा ही सिंपल है, उल्टा कर दीजिए, अंश का हर, हर का अंश, सात बटा तीन। और अब इसको बताना है कि ये किस प्रकार की वर्गीकृत करना है, उचित भिन्न है, विषम भिन्न है या पूर्ण संख्या है, यानी इन तीन चीजों में से हमें बताना है। तो ये किस प्रकार की भिन्न है, अगर उचित भिन्न कौन सी होती है जिसका अंश छोटा हर बड़ा, पहले ही बताए, और विषम भिन्न कौन सी होती है या अनुचित, जिसका अंश बड़ा होता है और हर क्या होता है छोटा, और एक होती है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या तो है ही, यानी जिसमें अंश हर में बटा में एक ही हो वो पूर्ण संख्या होती है, जैसे दो चार पांच, और एक होता है इसमें नहीं है दूसरे सवाल में तो मिश्रित भिन्न, जिसमें एक पूर्ण संख्या व एक उचित भिन्न होती है, उसे हमें मिश्रित भिन्न कहते हैं। अब इसमें इसका व्युत्क्रम ज्ञात कर दिया, व्युत्क्रम सात बटा तीन है, अब ये किस प्रकार की भिन्न है, अनुचित, या इसको हम बोल देते हैं विषम, ये किस प्रकार की भिन्न है जिसका अंश बड़ा और हर छोटा है, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, सेकंड पार्ट, इस सवाल का दूसरा भाग, पांच बटा आठ, इसका व्युत्क्रम, पांच बटा आठ का व्युत्क्रम क्या होगा, आठ बटा पांच, ये भी किस प्रकार की भिन्न है, विषम यानी अनुचित, अंश बड़ा हर छोटा, तीसरा भाग, नौ बटा सात, इसका व्युत्क्रम क्या है, सात बटा नौ, इसमें अंश छोटा और हर बड़ा, ये किस प्रकार की भिन्न है, उचित, ये उचित भिन्न है। और चौथा सवाल है छह बटा पांच, इसका जब हम व्युत्क्रम निकालेंगे पांच बटा छ, उल्टा कर देंगे अंश का हर, हर का अंश, ये किस प्रकार की भिन्न है, उचित, अंश छोटा और हर बड़ा ये उचित भिन्न, इसी का पांचवा भाग,
पहले दूसरे सवाल का ही पांचवा भाग है 12/7। पहले इसका व्युत्क्रम निकाल लेंगे। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम बिल्कुल ऐसे ही अंश का हर, हर का अंश, जैसे इसमें क्या है 7/12। ये क्या है? उचित भिन्न। कौन सी भिन्न है? ये उचित। छठा भाग, छठा में क्या है इसमें? 1/8। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या होगा? 8/1 या 8 भी लिख सकते हैं, 8/1 या 8। और इसको हम क्या लिखेंगे? पूर्ण संख्या। क्या लिखेंगे? पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या है। अब इसी का सातवां भाग, सातवां भाग क्या है इसमें? 1/11। 1/11 का जब हम व्युत्क्रम लेंगे, व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 11/1 या 11 कह सकते हैं, 11/1 या 11। ये क्या है? पूर्ण संख्या। ये क्या है? पूर्ण संख्या। तो ये हमने इनको वर्गीकृत कर दिया। ये थी आपके व्युत्क्रम, यानी अंश का हर कर देते हैं, हर का अंश। प्रश्न नंबर 3 की स्टेटमेंट आपके सामने है, इसमें भी ज्ञात करना है, मान निकालना है। पहला भाग 7/3 भाग में 2, दूसरा है 4/9 भाग में 5, तीसरा सवाल, तीसरा भाग है 6/13 भाग में 7, और चौथा भाग है 4/1/3 भाग में 3, और उसके बाद पांचवा भाग 3/1/2 भाग में 4, और छठा भाग है 4/3/7 भाग में 7। अब तीसरे सवाल के सभी भाग हम करते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से। तीसरे सवाल का फर्स्ट पार्ट, पहला भाग 7/3 भाग में 2। जैसे मैंने प्रश्नावली शुरू होते ही बताया था आपको कि बहुत आसान प्रश्नावली है, एक ही तरह के सवाल है सारे के सारे इस प्रश्नावली, दूसरी टाइप ही नहीं है। 7/3 भाग, भाग का क्या करेंगे जब हमें इस भिन्न से भाग देना है तो इसका व्युत्क्रम ले लेंगे और उससे गुणा कर देंगे। 2/1 है 1/2, आपस में नहीं कैंसिल होता, अंश अंश की गुणा, हर हर की गुणा। 7/3 = 6 क्या हो गया? ये अनुचित भिन्न, इसको मिश्रित में बदलेंगे। 6 + 6 शेषफल 1, 1 = 1/6। इसी का सेकंड पार्ट 4/9 भाग में 5, 4/9 भाग में 5, बिल्कुल ऐसे ही करना आपने। 4/9 भाग का क्या करेंगे जब इससे भाग देना, व्युत्क्रम कर लेंगे। 5/1 है तो क्या हो जाएगा? 1/5 या 4/45, उचित भी आ गई है। थर्ड पार्ट, इसी का तीसरा भाग, तीसरे भाग में क्या है? 6/13 भाग में 7, 6/13 भाग में 7 बराबर 6/13 जब इससे भाग देंगे 1/7, आपस में कैंसिल नहीं होता, 6/91 हर हर की गुणा करेंगे। चौथा भाग इसी का 4/1/3 भाग में 3, 4/1/3 भाग में 3 बराबर मिश्रित भिन्न है, इसको अनुचित में बदल देंगे। 4/12 = 13/3 भाग में 3 या बराबर 13/3 भाग का क्या कर देंगे जब इसको भाग देना है तो इसके व्युत्क्रम से गुणा कर देंगे, 1/3। 13 × 1/3 कैंसल नहीं होता, अंश अंश की गुणा, हर हर की गुणा, 13 × 9। ये किस प्रकार के भिन्न? अनुचित, इसको मिश्रित में बदल लेंगे। 9 = 9 + 4 1/4/9 किया जाएगा, 1/4/9। पांचवा भाग, तीसरे सवाल का ही पांचवा भाग 3/1/2 भाग में 4। पहले इस मिश्रित भिन्न को अनुचित में बदल लेंगे, 3 × 6 = 7/2 भाग में 4 या 7/2 × 1/4 याद है। अब अंश अंश की गुणा, हर हर की गुणा, 7/8।
इसी का छठा व अंतिम पार्ट तीसरे सवाल का, चार सही तीन उठा सात भाग में सात बराबर। इसको मिश्रित भिन्न को पहले हमें बदल लेंगे अनुचित में, छात्रों का 28 और 3 31 बटा 7 भाग में 7, या हम कर सकते हैं 31 बटा 7 गुणा 1 बटा 7 या 31 बटा 49, इतना आ जाएगा 31 बटा में 49। ये था आपका प्रश्न नंबर है 3। प्रश्न नंबर है 4 करेंगे। प्रश्न नंबर 4 की स्टेटमेंट आपके सामने है, पहला भाग 2 बटा 5 भाग में 1 बटा 2 ज्ञात कीजिए। ऐसे ही सेकंड पार्ट है 4 बटा 9 भाग में 2 बटा 3, ऐसे ही थर्ड पार्ट 3 बटा 7 भाग में 8 बटा 7, फोर्थ पार्ट भी ऐसे ही। इसी प्रकार से इसके 8 भाग दिए हुए हैं चौथे सवाल के, फोर्थ क्वेश्चन के, और आठवां भाग है जैसे 2 सही 1 बटा 5 भाग में 1 सही 1 बटा 5। आपने प्रश्न की स्टेटमेंट को ध्यान से देखा, अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 4 का पहला भाग 2 बटा 5 भाग में 1 बटा 2, 2 बटा 5 भाग में 1 बटा 2। बिल्कुल वही तरीका मैंने आज पहले ही बताया था कि सारे के सारे सवाल एक जैसे हैं। 2 बटा 5 भाग में 1 बटा 2 है, तो जब हम भाग इससे करेंगे तो गुणा इसके व्युत्क्रम से 2 बटा 1, या बटा में 1 ना भी लिखें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 दुनी 4 बटा 5 याद आएगा, 4 बटा 5 याद उचित भिन्न। सेकंड पार्ट इसी का दूसरा भाग, दूसरा भाग क्या है, 4 बटा 9 भाग में 2 बटा 3, 4 बटा 9 भाग में 2 बटा 3 या 4 बटा 9 जब भाग देना है तो इसके व्युत्क्रम से गुणा, वही तरीका 3 बटा 2, 3 एकम 3, 3 किया 9, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अंश अंश की गुणा और हर हर की गुणा 2 बटा 3 याद आएगा। अब तीसरा भाग इसी सवाल का, तीसरा भाग क्या है, 3 बटा 7 भाग में 8 बटा 7 या 3 बटा 7 गुणा में 7 बटा 8 हो जाएगा, 7 से 7 3 बटा 8। चौथा भाग इसी का, चौथा भाग है 2 सही 1 बटा 3 भाग में 2 सही 1 बटा 3 भाग में 3 बटा 5 बराबर। क्या करेंगे, 3 दूनी 6, 6 और 1 7 बटा 3, इसको अनुचित भिन्न में भाग का गुणा कर लेंगे 5 बटा 3, 3 बटा 5 का क्या हो जाएगा 5 बटा 3, कैंसल नहीं होता, 35 बटा में हर हर की गुणा 9, 35 बटा 9, इसको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे, 9 तिया 27 बच गए 8, 3 सही 8 बटा 9। पांचवा भाग इसी सवाल का, 3 सही 1 बटा 2, 3 सही 1 बटा 2 भाग में 8 बटा 3 बराबर, इसका सही बोल रहे हैं 3 दूनी 6 और 1 7 बटा 2 भाग का क्या करेंगे गुणा, 3 बटा 8 यानी 21 बटा 16, क्योंकि आपस में कोई कैंसिल होता नहीं तो हम क्या करेंगे 7 बटा 2 गुणा 3 बटा 8 नहीं कटता आपस में, 7 या 21 अंश अंश की गुणा हर हर की गुणा 21 बटा 16, या इसको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे 16 कम 16 बच गए 5, 1 सही 5 बटा 16। छठा भाग इसी सवाल का, छठे भाग में क्या है, 2 बटा 5 भाग में 1 सही 1 बटा 2, 2 बटा 5 भाग में 1 सही 1 बटा 2 बराबर, 2 बटा 5 भाग में पहले इसका सही बोल लेंगे, मिश्रित भिन्न को अनुचित में बदल लेंगे, 2 एकम 2 और 1 3 बटा 2 या बराबर, 2 बटा 5 भाग का क्या कर लेंगे गुणा, क्या हो जाएगा 2 बटा 3, 3 बटा 2 क्या हो जाएगा 2 बटा 3, आपस में कोई कैंसिल नहीं होता तो 2 दूनी 4 बटे 15 या सातवां भाग, सातवें भाग में क्या है, 3 सही 1 बटा 5
तीन सही एक उल्टा पांच भाग में एक सही दो उल्टा तीन, ये है दोनों ही मिश्रित भिन्न दे रखी है। पहले इनको अनुचित में बदल लेंगे, पांच या पंद्रह और एक सोलह बटा पांच भाग में तीन एकम तीन और दो पांच बटा तीन, सोलह बटा पांच भाग में पांच बटा तीन या सोलह बटा पांच गुणा में तीन बटा पांच, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा तीन बटा पांच, आपस में कैंसिल नहीं होता। अड़तालीस अंशांश की गुणा बटा में हर हर की गुणा पच्चीस, अड़तालीस बटा पच्चीस। बच्चों यहां पर ये गलती नहीं करनी है, कभी पांच से पांच काट दो ऐसा नहीं करना, मैं कई बार बता चुका हूं। अंश को अंश से या हर को हर से नहीं काटना, अंश और हर को आपस में काटना है, अंश के साथ है हर कटेगा ना कि आपस में ऐसे काटना है। तो 48 बटा 25 अनुचित में, 25 एकम 25 बच गया कितना 23 बटा 25 याद रहेगा। आठवां व अंतिम भाग इसी सवाल का, चौथे सवाल का और प्रश्नावली का अंतिम भाग, दो सही एक बटा पांच भाग में एक सही एक बटा पांच बराबर पंद में दस और एक ग्यारह बटे पांच भाग में पांच एकम पांच और एक छह बटे पांच, या हम कह सकते हैं ग्यारह बटे पांच भाग का क्या कर देंगे गुणा, इसके व्युत्क्रम से करेंगे पांच बटे छह, ये कैंसिल ग्यारह बटे छह। किस प्रकार की भिन्न अनुचित, इसको मिश्रित में बदलेंगे, छ कम छ बच गए पांच, एक सही पांच बटे छ। ये था आपका प्रश्न नंबर चार और इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न। और बच्चों हमें नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 2.5 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।